गाइस 6.3 फाइव क्वेश्चन हो चुके थे, सिक्स तब स्टार्ट करा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। सिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक बार दोबारा बताना चाहती हूँ। अगर कोई ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी और इसके किसी एक साइड को एक्सटेंड किया जाता है, मान लो मैंने बी सी को एक्सटेंड कर दिया तो ये एंगल बन गया जो इस ट्राइंगल के बाहर है, इसको बोला जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, मान लो ये हमारा है एंगल वन, ये है एंगल टू, ये थ्री और ये फोर। तो ये जो एंगल वन है ना, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके बराबर होता है? थ्री प्लस टू के, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। इसके साथ वाला छोड़ दो, इन दोनों के सम के बराबर होगा। मैंने आपको बताया भी था, एक बार फिर रिपीट कर दी। मान लो मैंने ये वाली साइड एक्सटेंड की थी, ठीक है, मान लो मैं इस साइड को एक्सटेंड करती हूँ, किसी को भी कर सकती हूँ, तो मेरा एक्सटीरियर एंगल कौन सा बना? ये वाला, दिस इज एंगल फाइव। तो फाइव किसके बराबर होएगा? इसके साथ वाला छोड़ दो, थ्री प्लस फोर के, एंगल फाइव बराबर होएगा थ्री प्लस फोर के। समझ आ रहा है ना? अब मान लो मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूँ, इस साइड को, इसको एक्सटेंड किया तो ये वाला एंगल मेरा एक्सटीरियर एंगल बना, विच इज एंगल सिक्स। तो एंगल सिक्स किसके बराबर होएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से? इसको छोड़ दो बस, टू प्लस फोर के। तो दिस इज द प्रॉपर्टी कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। समझ आ गया ना? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। समझ आ गए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सबको? ठीक है, अब हम मूव करते हैं इस चैप्टर का जो सिक्स क्वेश्चन है उस पे। हमें क्या दिया हुआ है? एक डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरह का, क्यू आर एस, क्यू पी आर एक ट्राइंगल है और क्यू टी आर भी एक ट्राइंगल है। ठीक है, मैं यहाँ पे गिवन लिख रही हूँ, उससे क्लियर होगा आपको। गिवन है हमारे पास बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ये पूरा एंगल है, इसका ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब पूरे एंगल का बाइसेक्टर है ये। तो क्या मतलब? एंगल वन और एंगल टू बराबर होंगे, उसको दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब एंगल वन बराबर हो जाएगा एंगल टू के। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ क्यू टी, ये जो क्यू टी है इज द एंगल बायसेक्टर। एक तो ये दिया हुआ है क्यू टी इज द एंगल बायसेक्टर। ऐसे ही पी आर एस, ये पूरा एंगल है, ये जो आर टी है ये इसके बीच में से जा रहा है, आर टी इज ऑल्सो द एंगल बायसेक्टर। आर टी भी जो है वो एंगल बायसेक्टर है। तो ये आर टी अगर एंगल बायसेक्टर है तो एंगल थ्री बराबर हो जाएगा एंगल फोर के। इतना समझ आ गया भाई? वन टू के बराबर है, थ्री फोर के बराबर है। तो हम यहाँ पे टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है हमें? एंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर ये वाला एंगल, एंगल क्यू टी आर इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये वाला एंगल है, मान लो ये फाइव है और ये सिक्स के हाफ होएगा, ये मुझे प्रूव करना। ठीक है, मैंने फाइव और सिक्स नाम दे दिया इसको, इसको सेवन दे देते हैं। समझ आ गया भाई? अब हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन में चलेंगे, क्योंकि क्यू टी आर एस लिखते हुए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। नाउ प्रूफ, प्रूफ पे आ जाओ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, ये जो मेरे पास ट्राइंगल है टी क्यू आर, देखो ये कुछ इस तरह से बनी हुई है, टी क्यू आर। ठीक है, ये वाला एंगल, ये जो है इसका एक्सटीरियर एंगल है जो एंगल फोर है, और यहां लिखा हुआ है एंगल टू, यहां लिखा हुआ है एंगल फाइव। समझ में आ रहा है भाई? ट्राइंगल टी क्यू आर ले रही हूं, ट्राइंगल टी क्यू आर, एंगल फोर इज द एक्सटीरियर एंगल। एंगल फोर जो है वो इस ट्राइंगल के बाहर लाई कर रहा है, तो एंगल फोर किसके बराबर होना चाहिए? फाइव प्लस टू के। ठीक है,
एंगल 4, देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 2. क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. इतना लिख देना बस, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ठीक है? नहीं तो पूरा लिखना चाहो तो ये पूरा लिख देना. इसके बाद मैं चलती हूँ ट्राइंगल पी क्यू आर में. इन ट्राइंगल पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर ट्राइंगल पे ध्यान दो, ये पूरा एंगल एक्सटीरियर है, ठीक है? अब ये ट्राइंगल भूल जाओ कि ये कुछ है हमारे पास. पी क्यू आर के बाहर ये एक्सटीरियर एंगल है पूरा, ठीक है? जिसको मैं लिख रही हूं पी आर एस. एंगल पी आर एस इज द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है? तो इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे? ये वाला और ये पूरा एंगल. समझ में आ रहा है भाई? जब हम पी क्यू आर ट्राइंगल ले रहे हैं ना, इतना देखो, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, तो ये एंगल एक्सटीरियर है. ये वाली लाइन भूल जाओ, ये वाली लाइन भी भूल जाओ कि हमारे पास है, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल होएगा इसका और इसका, पी और क्यू का, ठीक है? पूरे पूरे एंगल्स का. तो एंगल पी आर एस इज द एक्सटीरियर एंगल. तो एंगल पी आर एस बराबर होएगा, ये वाला एंगल किसके बराबर होएगा? एंगल पी प्लस एंगल क्यू के, इस पूरे एंगल के बराबर होएगा, ठीक है? इतना समझ में आ गया आपको? ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. इन दोनों इक्वेशंस को मैं एक बार ऊपर लिख रही हूं और फिर यहां समझाती हूं. पहली ट्राइंगल से मुझे क्या मिला? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 2. और दूसरी ट्राइंगल से मुझे क्या मिल रहा है? एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू. इसको ना थोड़ा सा और खोलते हैं, 1, 2, 3, 4 की टर्म्स में लेके आते हैं. पी आर एस, पी आर एस, ये पूरा एंगल किससे मिलके बना है? 3 और 4 से, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है? फिर एंगल पी, एंगल पी क्या है? 6. और एंगल क्यू, ये पूरा एंगल किससे मिलके बना है? 1 और 2 से, तो इसको मैं लिख रही हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2. यहां तक समझ में आ गया? इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ना हमें रिलेट करना है आपस में, ठीक है? देखो 3 और 4 बराबर है क्योंकि एंगल बायसेक्टर दिया हुआ था, आर टी वॉज द एंगल बायसेक्टर. तो एंगल 3 और 4 बराबर होंगे. तो इसको ना मैं ट्वाइस ऑफ 3 भी लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ 4 भी लिख सकती हूँ, मेरी मर्जी है. 3 और 4 बराबर है, पर मैं क्या लिखूंगी? ट्वाइस ऑफ 4. क्यों लिखूंगी? क्योंकि इस इक्वेशन में मेरे पास 4 है, हो सकता है आपस में रिलेट हो जाए. 3 लिखने के बाद तो बिल्कुल भी रिलेशन नहीं आएगा इन दोनों में, ठीक है? तो 3 और 4 बराबर है, तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ 4 लिख रही हूँ, इज इक्वल टू एंगल 6. अब 1 और 2 भी बराबर थे, शुरू में बताया था हमने कि ये एंगल बायसेक्टर है, ठीक है? तो 1 और 2 बराबर है, तो आपका क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ 1 लिखो इसको या ट्वाइस ऑफ 2 लिखो, आपकी मर्जी. पर इस इक्वेशन में एंगल 2 दिखाई दे रहा है तो मैं 1 नहीं लिखूंगी, ठीक है? इसको किसमें चेंज करेंगे? ट्वाइस ऑफ 2 में. समझ में आया भाई? इतना हमने क्या किया, 3 और 4 को ट्वाइस ऑफ 4 लिखा, 6 एज इट इज, 1 और 2 बराबर थे तो उसको लिखा हमने ट्वाइस ऑफ 2, 1 नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं था, ठीक है? अब चेक करो, ये एंगल 4 की वैल्यू है, ये ट्वाइस ऑफ 4 की वैल्यू है. तो मैं क्या करती हूँ, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया ट्वाइस ऑफ 4, ये बन गया ट्वाइस ऑफ 5, ये बन गया ट्वाइस ऑफ 2. अब देखो ये भी ट्वाइस ऑफ 4 की वैल्यू है और ये भी ट्वाइस ऑफ 4 की वैल्यू है, ऐसा ही है ना? इसका मतलब ये पोर्शन इसके बराबर होना चाहिए ना. ट्वाइस ऑफ 4 की वैल्यू ये भी है, ट्वाइस ऑफ 4 की वैल्यू ये भी है, तो ये पोर्शन इसके बराबर हो गया. तो बराबर में रख दो, ट्वाइस ऑफ 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 ट्वाइस ऑफ एंगल 2. नाउ ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा? ट्वाइस ऑफ 5 इज इक्वल टू 6 या एंगल 5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 6. 2 को डिवीजन में ले गई हूँ एंड दिस इज द आंसर. जो हमसे पूछा गया था वो यही आंसर है.
ठीक है, एक बार रिपीट कर रही हूँ स्टार्टिंग से। गिवन क्या था हमारा, आरटी है जो है वो एंगल बायसेक्टर है, क्यूटी भी एंगल बायसेक्टर है, तो एंगल वन और एंगल टू, एंगल थ्री और एंगल फोर, ये गिवन हो गए हमारे, ठीक है, दिस इज गिवन। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं टी क्यू आर में। टी क्यू आर ट्राइंगल अगर मैं लेती हूँ तो ये वाला एंगल बाहर आएगा फोर, फोर इज द एक्सटीरियर एंगल, किसके बराबर होगा फाइव प्लस टू के, तो ये मैंने लिख दिया। इसके बाद ट्राइंगल ले लो पी क्यू आर, ये जो मैंने नीचे बनाई है, पी क्यू आर का बाहर वाला एंगल ये पूरा होगा, ये पूरा एंगल बराबर होगा पी और क्यू के, ये लिख दिया, ठीक है। अब पी आर एस दो एंगल से मिलके बना है, थ्री और फोर से, पी एंगल का मतलब सिक्स हो गया, इस क्यू एंगल का मतलब वन और टू हो गया, तो वन प्लस टू की जगह मैंने लिखा ट्वाइस ऑफ टू, ट्वाइस ऑफ वन भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ टू भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, पर मैंने क्या देखा यहाँ मेरे पास वन नहीं था टू था, तो मैंने ट्वाइस ऑफ टू कर दिया। ऐसे ही थ्री और फोर को बराबर है, ये ट्वाइस ऑफ थ्री लिखो या ट्वाइस ऑफ फोर लिखो, पर यहाँ फोर था तो मैंने ट्वाइस ऑफ फोर लिख दिया, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई कि ट्वाइस ऑफ फोर की वैल्यू ये है, यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, ये वाली जो मैंने यहाँ लिखी थी, एंगल फोर की वैल्यू ये है, ये है ट्वाइस ऑफ फोर की वैल्यू, ये है फोर की वैल्यू, तो मैं क्या कर रही हूँ इस पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, टू से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्वाइस ऑफ फोर, ट्वाइस ऑफ फाइव, ट्वाइस ऑफ टू। अब देखो ट्वाइस ऑफ फोर की वैल्यू ये, ट्वाइस ऑफ फोर की वैल्यू ये, मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए, दोनों चीजें इक्वल टू में रख दिया, ये पोर्शन कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा वो आपका आंसर है। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको जब एक पेज नंबर आपके 95 पे है, एग्जाम्पल नंबर टू आपका बुक में जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड से दिया हुआ है, इसको मैं जैसे कराऊंगी वैसे करना, एग्जाम्पल नंबर टू आप बुक में से समझेंगे तो उसको समझ ही नहीं आएगा आपको, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल नंबर टू पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर टू पेज नंबर 95, ठीक है, हमें दिया हुआ है रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इज अ लाइन पी ओ क्यू, गिवन लिख रही हूं साथ साथ, गिवन है पी ओ क्यू इज अ लाइन, पूरी स्ट्रेट लाइन है ये, और रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बायसेक्टर्स ऑफ पी ओ एस। देखो ये ओ एस एक रे बनाई हुई है इन्होंने, ओ एस इज अ रे, ध्यान से देखना, ओ एस रे बनने के बाद एक ये एंगल बनता है और एक ये एंगल बनता है, दो एंगल बनते हैं ना, इस एंगल का एंगल बायसेक्टर है ओ टी। एंगल बायसेक्टर का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब एंगल वन बराबर हो जाएगा एंगल टू के, तो मैं यहां लिख रही हूं ओ टी इज द एंगल बायसेक्टर, सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है इसका एंगल बायसेक्टर भी दे रखा है, वो कितना है ओ आर, ओ आर इज द एंगल बायसेक्टर, अगर ये एंगल बायसेक्टर है तो एंगल थ्री बराबर हो जाएगा एंगल फोर के। माइक म्यूट करो बेटा अपना एक बार, दिव्या म्यूट कर बेटा, तो एंगल थ्री बराबर हो जाएगा एंगल फोर के, ये दो चीजें हो गई, वन बराबर है टू के, थ्री बराबर है फोर के। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल आर ओ टी इज 90, एंगल आर ओ टी जो है वो 90 डिग्री का है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। प्रूफ, इसका प्रूफ देखिए, अगर पी ओ क्यू एक लाइन है, पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये एक लाइन है तो इस पे जितने भी एंगल बन रहे हैं उनको मिला के 180 होना चाहिए, सो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर 180 डिग्री का होएगा, एक लाइन पे जितने भी एंगल बन रहे हैं,
अब देखो वन और टू तो इक्वल है ना, वन और टू इक्वल, तो इन दोनों की जगह मैं ट्वाइस ऑफ वन भी लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ टू भी लिख सकती हूँ, तो मैं ट्वाइस ऑफ वन लिख रही हूँ, ट्वाइस ऑफ वन, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है। ऐसे ही थ्री और फोर भी बराबर थे, थ्री और फोर की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, ट्वाइस ऑफ थ्री, इस पे आ गई मैं, ठीक है, वन और टू की जगह लिखा वन, थ्री और फोर की जगह लिखा थ्री, ट्वाइस ऑफ वन ट्वाइस ऑफ थ्री इज 180 डिग्री। अब यहां से क्या करूंगी, टू कॉमन ले रही हूं मैं, टू कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचा एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज 180, टू मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले जाओ, एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज 180 बाय टू मतलब 90, तो वन प्लस थ्री कितना हो गया 90, ठीक है, वन प्लस थ्री देखो कितना है डायग्राम में, आर ओ टी, एंगल आर ओ टी इज 90 डिग्री, यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है, बुक वाले मेथड से मत करिएगा, दोबारा बता रही हूँ, ये एंगल बाइसेक्टर था तो वन और टू बराबर हो गए, उसके बाद ये एंगल बाइसेक्टर है थ्री और फोर बराबर हो गए, लिख लिया, अब चारों को मिला के होना चाहिए 180 क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, उसमें से वन और टू बराबर थे, थ्री और फोर बराबर थे, तो वन और टू की जगह मैं ट्वाइस ऑफ टू भी लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ वन भी लिख सकती हूँ, पर मुझे ये एंगल चाहिए ना आर ओ टी जिसमें वन और थ्री आ रहा है, तो इसकी जगह लिखा मैंने ट्वाइस ऑफ वन, थ्री और फोर, ये थ्री है ये फोर है इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ फोर लिखो या ट्वाइस ऑफ थ्री लिखो, पर थ्री लिखूंगी क्योंकि ये कम्प्लीट एंगल चाहिए मुझे, तो ट्वाइस ऑफ थ्री 180 हो गया, टू कॉमन ले लिया, वन प्लस थ्री कितना हो गया 180, ठीक है, टू को डिवाइड में ले गए तो वन प्लस थ्री कितना हो गया 90, वन प्लस थ्री देखो डायग्राम में है कितना आर ओ टी, तो आर ओ टी कितना हो गया 90 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, और बुक के हिसाब से चलेंगे तो आपको ये ना शायद समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने आपको ये कराया है। एक है इसका एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ करवा रही हूं, इसकी जो थ्योरम्स हैं नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम्स करेंगे, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ पेज नंबर 101, इसमें है खाना अनम्यूट करते कुछ बोलते हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, और इस तरह से ये डायग्राम दिया हुआ है एम, और ये एंगल 135 और ये वाला एंगल है 40, एंड यू हैव टू फाइंड एक्स एम वाई, ये पूरा एंगल हमें निकालना है, ठीक है, अब ये देखिए क्या करेंगे, जो पैरेलल लाइंस हैं, हमारी जो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में कोई भी सीधी ट्रांसवर्सल तो दे नहीं रखी, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, M में से पास होने वाली, ये M है, M में से पास होने वाली एक लाइन लगा लेंगे, ठीक है, जो इसके भी पैरेलल हो जाएगी, इसके भी पैरेलल हो जाएगी, ये लाइन पैरेलल हो गई, अब देखो इतना पोर्शन देखो बस, हम क्या देखेंगे इसमें, ये वाला, ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और मान लो ये एंगल वन है, इनको मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 प्लस 135 डिग्री शुड बी इक्वल टू 180, तो एंगल 1 आ जाएगा यहां से आपका 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री आ गया। सिमिलरली मान लो ये एंगल 2 है नीचे वाला, तो अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये z बन रहा है, उल्टा z बन रहा है, एंगल 2 जो है वो 40 के बराबर होएगा, एंगल 2 होएगा 40 के बराबर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अब 1 आ गया हमारे पास, 2 आ गया, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 45 प्लस 40 दैट इज 85 डिग्री, यही हमें निकालना था, एक्स एम वाई कितना आ गया 85 डिग्री।
तो इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ करना क्या था, इसके बीच में से पैरेलल लाइन ले जाओ, 40 बराबर होएगा 2 के, और इसको मिला के आना चाहिए 180। अगर आपको इंटीरियर एंगल ना याद रहे तो ऐसे करना, देखो ये 135 है तो ये वाला एंगल भी 135 होएगा, ठीक है, इसको मैं 135 लिखूंगी। अब इन दोनों को मिला के कितना आना चाहिए, 180, इन दोनों को मिला के 180 आना चाहिए, तो आप एंगल 1 निकाल सकते हो, ठीक है। पहले इसको ऑल्टरनेट पे ले जाओ, ऑल्टरनेट से एंगल 1 पे आ जाओ, एक ही बात है, तो एंगल 1 निकाल लो, एंगल 2 निकाल लो, दोनों को प्लस कर लो, यू विल गेट द आंसर। समझ में आ गया? 11:20 हो गए। एग्जाम्पल्स और हैं, आप पढ़ के देखिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, तो वो भी कराऊंगी, एंड इसकी जो थ्योरम्स हैं वो रिमेनिंग